अस्सलाम वालेकुम। अज दी वीडियो विच लेज़र करा चलाने का मुकम्मल तरीकाकार दसांगे। इस वास्ते वीडियो पूरी देखना, वीडियो पूरी देखोगे तो मालूमात मिलेगी। सब तो पहले तो ट्रांसमीटर ला लेना, ट्राईपॉड ते ट्रांसमीटर लगा लेना। ट्राईपॉड तो लाने के बाद ऑन कर देना। इस तरह ऑन होने तो बाद चल जाएगा। ये हिल्टी का ट्रांसमीटर है, हिल्टी कंपनी का। तो ट्रांसमीटर लगाते आया ख्याल करना तो सीधा लग जाए। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा लगेगा तो कोई नहीं मसला है, अपना लेवल आप कर लेंदा। अगर ज़्यादा टेढ़ा लगेगा तो सुरख लाइट चला देगा, ऑन नहीं होएगा। इस बाद ट्रांसमीटर लगाने तो बाद ऑन कर देना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि ट्रांसमीटर तो रिसीवर का लेवल तकरीबन एक हो जाए। रिसीवर ट्रांसमीटर ज़्यादा उच्चा ना लगा हो, ज़्यादा नीवा ना लगा हो। दोवां का लेवल एक हो तकरीबन। अगर दोवां का लेवल तकरीबन एक होएगा तो कंट्रोल पैनल से यानी कंट्रोल बॉक्स से या रिसीवर से कोई ना कोई लाइट चल जाएगी। सब लाइट चलेगी या सुरख लाइट कोई ना कोई चल जाएगी। तो इसका मतलब ये होएगा कि रिसीवर जो ट्रांसमीटर की रेंज के विच आ, इस वास्ते लाइट चल जाती है। अगर कोई भी लाइट नहीं चल रही तो मतलब ये कि ट्रांसमीटर जो है रिसीवर की रेंज से बाहर आ। ट्रांसमीटर रिसीवर की रेंज में आ जाएगा तो इस तरह लाइट चल जाएगी। कोई भी लाइट चल जाए तो वह मसला कोई नहीं, कंप्यूटर रिसीवर की रेंज में आ जाएगा। बाकी की एडजस्टमेंट जी तुम अपने इलैक्ट्रो मास्टर कर लोगे, मास्टर ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट कर लोगे जिन्नी चाहिए होगी। जमीन के बराबर करके तो रिसीवर और ट्रांसमीटर का तकरीबन एक लेवल करके बाकी की एडजस्टमेंट करा नीवा करना उच्चा करना यह इलैक्ट्रो मास्टर हो जाती है। वो गड्डी चला के तोड़ के बाकी फिर कर ली जाती है। बटन इलैक्ट्रिक मास्टर मास्ट जो उत्ते लगा रिसीवर वाला वह बटन और एडजस्टमेंट इतों होंगी है। तो आवा ब्लेड उपर करने वास्ते इतों नीचे होंगे ब्लेड, इतने मैनुअल होंगे है, इतने आटो हो जाता। जो आटो होना लाइट चल जानी तो नाल थोड़ा टाइम भी शुरू होना। यह क्रॉसफील्ड एग्रो का कंट्रोल बॉक्स आ 2021 मॉडल का। तो टाइम ही आता है, टोटल टाइम तकरीबन 414 घंटे चल गया। 21 मॉडल है।